No,
Sajman,
No, 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 no,
कुटुंब परिवार करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन करुणा बहुत करी है मेरे घनश्याम बेमोल दे दिया अक्षरधाम बेमोल दे दिया अक्षरधाम करुणा बहुत करी है मेरे घनश्याम बेमोल दे दिया अक्षरधाम बेमोल दे दिया अक्षरधाम दिव्य विभूति पाई है गुरु जी के रूप में टालने कसर हमारी ही है
करते श्रम तमाम बेमोल दे दिया अक्षरधाम, बेमोल दे दिया अक्षरधाम। योगी का संकल्प तुम्ही हो, का परिचय भी तुम्ही हो, भक्तों के सरताज भी तुम हो, पर भक्ति का स्वरूप तुम्ही हो, सामर्थ्य तेरा पहचान के, अनुवृत्ति जान के, प्रभु नाम का नमक डाल के, करता हरता मान के, मूर्ति में ही रह कर करने अब तो सारे काम, बेमोल दे दिया अक्षरधाम, बेमोल दे दिया अक्षरधाम। करुणा बहुत करी है मेरे घनश्याम, बेमोल दे दिया अक्षरधाम, बेमोल दे दिया अक्षरधाम। संघे साथी ऐसे को बनाए, तुमसे जो संबंध बढ़ाए, संगी साथी ऐसे को बनाए, तुमसे जो संबंध बढ़ाए, देह जुदा पर दिल एक हो जाए, भगवती से ऐसे जुड़ जाए, मुक्तों की महिमा जान के, स्वरूप ही मान के, लीला तेरी है मान के, सर्वोपरि जान के, सूरत भाव बढ़ाते रहना अब हो अपना निशान, दे मोल दे दिया अक्षरधाम, बेमोल दे दिया अक्षरधाम। करुणा बहुत करी है मेरे घनश्याम, बेमोल दे दिया अक्षरधाम, बेमोल दे दिया अक्षरधाम। हो प्रत्यक्ष की निष्ठा हम दृढ़ कर पाए, महिमा तेरी हम हर पल गाए, प्रत्यक्ष की निष्ठा हम दृढ़ कर पाए, महिमा तेरी हम हर पल गाए, प्राप्ति में ही अब खोकर खुद को, परछाई तेरी बन जाए, आसक्तियां सारी छोड़ के, सब तुझ में ही जोड़ के, तेरा प्रकाश बन कर जिए, तुम्हें सर्वस्व सौंप के, जीवन ऐसा जिए के उज्जवल होवे तेरा नाम, बेमोल दे दिया अक्षरधाम, बेमोल दे दिया अक्षरधाम। करुण
प्यारी है मेरे घनश्याम, बेमोल दे दिया अक्षरधाम, बेमोल दे दिया अक्षरधाम, बेमोल दे दिया अक्षरधाम। सभी साधु संतों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और सभी हरि भक्तों को मेरा हार्दिक जय स्वामीनारायण। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक हम सब ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा और बहुत जगह इसकी व्याख्या भी सुनी होगी, लेकिन इसकी जो यथार्थ व्याख्या है वो मैंने गुरुजी के मुख से ही सुनी। और कोई गुणातीत संत ही ऐसी व्याख्या कर सकता है। गुरुजी ने ये समझाया कि अगर जो उपासक है अपने गुरु का, जो शिष्य है अपने गुरु का, यदि उसके जीवन में किसी चीज़ की संरचना हो रही है, कोई प्रसंग अगर बन रहा है वहाँ पे, कुछ क्रिएशन हो रही है अगर, तो उसका कारक उसका गुरु है। यदि उसकी लाइफ चल रही है, उसकी लाइफ का पालन पोषण हो रहा है, तो भी उसका नियंत्रण उसका गुरु ही कर रहा है। और यदि कुछ पुराना प्रसंग, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं अगर, तो भी उसका कारक उसका गुरु ही है। यानी कि ये तीनों चीज़ें उसके गुरु ही कंट्रोल कर रहे हैं और गुरु ही वाकई में उस चीज़ के कारक हैं। तो कितनी सुंदर और कितनी यथार्थ व्याख्या, ये सर गुरु जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। और इसका रेलेवेंस देखिए इस तरीके से है कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी छोटे बड़े प्रसंग हम सबके देखिए जीवन में बनते होंगे और सब महसूस भी करते होंगे इस बात को, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ आती है कि इसका पूरा नियंत्रण काका जी के हाथ में। आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव डिवाइन दर्शन ऑफ गुरुहरि काका जी इन माई चाइल्डहुड। 5-6 साल का था मैंने जब उनके दर्शन किए, और वो दिव्य मूर्ति, वो अलौकिक आभा, वो तेज आज भी मेरी आँखों के सामने नहीं जाता। चाहे मुझे 5-6 साल की और कोई घटनाएं याद हो ना हो, लेकिन वो काका जी की जो दिव्य मूर्ति के जो मैंने साक्षात दर्शन किए, वो मेरी आँखों के सामने से नहीं जाते आज भी। और जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि बड़े पुरुष की जो भी क्रियाएं होती हैं वो चैतन्य लक्षी होती हैं, सीधा आपकी उन चेतना में उनकी मूर्ति उतर जाएगी, उनकी क्रिया उतर जाएगी और आपकी आत्मा में बस जाएगी वो। तो ये चीज़ काफ़ी बार मैंने फील करी। और शुरू से ही सत्संग में हमें संतों ने यही प्रेरणा दी, घर वालों ने भी यही संस्कार दिए कि बेटा जो भी काम शुरू करना, प्रारंभ करना, उसमें प्रभु का नमक ज़रूर डाल देना उनके नाम का। और फिर ये एक रूटीन धीरे 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 बनानी हमने स्टार्ट करी, आज वो बनी गई है कि जो भी काम कोशिश करती है छोटा बड़ा स्टार्ट करें हम, तो उसमें पहले हम धुन करें और संतों को याद करके वो धुन करें। क्योंकि जब आप संतों को, गुरु को आप ध्यान करते हैं अपना, उनको ध्यान करके आप अपना गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो वो एम्पलीफाई हो जाती है वो चीज़, तो वो उसकी पावर बहुत गुना बढ़ जाती है और बिल्कुल ये ब्रह्मास्त्र का काम करती है। पुराने ज़माने में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो तभी किया जाता था जब कोई बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाती थी या कोई अर्जेंसी हो जाती थी, लेकिन काका जी ने कितनी बड़ी, मैं कहूँगा स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दी कि हम किसी भी छोटे बड़े प्रसंग के लिए हम इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि एक बार मुझे किसी से पेमेंट लेनी थी और मुझे पक्का विश्वास था कि ये इंसान मेरे साथ कोई ना कोई पेमेंट में हेरा फेरी ये करेगा करेगा, क्योंकि उसका थोड़ा स्वभाव इस तरीके का था कि एक एक रुपये का हिसाब करना और खींचतान करना थोड़ी।
तो एज़ यूजल जाने से पहले मैंने काका जी को याद किया, संतों को याद किया, मैंने गुरुजी को याद करके मैंने धुन करी और फिर मैं गया। और जैसे ही मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे पूछा कितना हिसाब है। मैंने कहा जी इतने पैसे बनते हैं। उसने फटाफट पैसे गिने और मेरे हाथ में पकड़ा दिए। मुझे लगा शायद कम पकड़े होंगे, तो मैंने दोबारा गिने तो एग्जैक्ट जो मैंने फिगर मांगी थी वही थी वो, और उसने मुझसे हिसाब भी नहीं पूछा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये तो बड़ा विरोधाभास लग रहा है, अपने स्वभाव से उस इंसान ने विपरीत में जाके पैसे पकड़ा दिए मुझे। लेकिन फिर गहराई से सोचा तो एक चीज़ समझ आएगी कि सूक्ष्म रूप से काका जी ने काम मेरा कर दिया। मन बड़ा हर्षित हुआ उस टाइम। और ऐसे बहुत से प्रसंग हम लोगों की लाइफ में बनते हैं। और एक प्रसंग मैं आपसे और शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि एक बार मैं हिल स्टेशन में अपनी फैमिली के साथ वापस आ रहा था, और पहले हम जाम में फंस गए, और जैसे ही मैं 2-2.5 घंटे के जाम से बाहर निकला और अंधेरा होने वाला था उस टाइम, हम नीचे आ भी चुके थे तो आगे का रास्ता तय भी करना था, तो दो जगह रास्ता कट रहा था। एक जो रास्ता कट रहा था वहाँ पे आगे भी जाम लगा हुआ था, एक एक कच्चा रास्ता था। तो मैंने एक वहाँ के किसी लोकलाइट से पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। उसने कहा जी उस रास्ते से तो वो लंबा रास्ता है जो आप यूजुअली लोग लेते हैं, और उसमें वहाँ उस तक जाम भी मिले आपको, ये रास्ता छोटा है, लेकिन इसमें ये थोड़ा मतलब ध्यान से चलाना है यहाँ पे। उसने मुझे इतना बोला, तो मैंने कहा ध्यान से तो मैं चलाते ही हूँ। तो मैंने उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ ली अपनी, और जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ता गया उस रास्ते पर, अंधेरा भी बढ़ता गया, और मुझे जैसे जैसे मैं रास्ते में आगे पहुँचता गया मुझे ये चीज़ समझ आती गई कि वो रोड बहुत नैरो होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। कुछ 7-7.5 फुट की मेरे हिसाब से वो रोड रही होगी, जिसमें मुझे रास्ता भी काटना था और इधर पूरी खाई थी दूसरी तरफ, और कोई फेंसिंग नहीं थी वहाँ पे। अब ना गाड़ी पीछे जा सकती थी, वो सिर्फ आगे जाने का ही उसमें वहाँ पे एक ऑप्शन रह गई थी मेरे लिए। और पूरी फैमिली मेरे साथ, सबकी ये समझ लो कि जिंदगियाँ उस दिन संकट में डल गई थी। फिर सब ने वहाँ पे धुन स्टार्ट करी और बिना पलक झपकाए मैं ड्राइविंग करता रहा, और बहुत धीरे 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 मैंने गाड़ी चलाई वहाँ पर, और बिल्कुल कच्ची बजरी वहाँ पर और कच्चा पत्थर छोटे छोटे गिरे हुए थे कि गाड़ी कहीं भी स्लिप मार जाए। बस स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, काका जी गुरु जी गुरु जी, बोलते बोलते आगे निकलते गए। और ये लगाइए इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था हमारी गाड़ी में कि सांसों तक की आवाज़ आ रही थी एक दूसरे की। और काफ़ी रास्ता जब मैंने तय कर लिया, आई थिंक आई वॉज इन द मिडल ऑफ द रूट, तो सडनली मुझे समझ नहीं आया बाइक के ऊपर मोटरसाइकिल पे एक हस्बैंड वाइफ आए, और उन व्यक्ति ने बाइक बिल्कुल मेरी गाड़ी के पास विंडो के पास लेके आया, और उसने मुझे एक चीज़ बोली, कह रहा घबराना मत, आगे रास्ता साफ है, तुम पास पहुंच गए हो बस, और बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्या है कि वो फराटे से बाइक लेके चला गया, और उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं समझ आई। और वाकई में मेरे को हिम्मत मिली और स्वामीनारायण 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 करते करते काका जी गुरु जी बोलते बोलते हम नीचे आए गए। अब पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया कि उस इंसान को ये बात कहाँ से समझ आ गई कि मैं घबरा गया हूँ, और वो क्यों मुझे अंधेरे में एक इंसान अनजान इंसान मुझे बता रहा है ये बात आके। तो फिर मन में यही आभास रहा कि काका जी महाराज सूक्ष्म रूप से मदद करते हैं, मैसेजेस देते हैं, प्रकट हैं एकदम। और आज इस प्लेटफॉर्म से, जो कि आईना टीम ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जो प्राप्ति के लिए, जिस प्राप्ति के लिए हमने ये जन्म लिया है, और जिसके लिए मनुष्य जन्म लेता है, उस परमात्मा की, उस परब्रह्म की, उस परम चेतना की, उस सुपर कॉन्शियसनेस की हमें प्राप्ति गुरुजी और काका जी के रूप में ऑलरेडी हो चुकी है। अब हमें उनके सिर्फ बताए मार्ग पर चलना है और कुछ नहीं करना।
लेकिन कभी कभी शरीर से रिलेटेड आदि व्याधि हो गई और कोई मृत्यु लोग के हिसाब से बाकी परेशानियां जो होती हैं शरीर को आती रह जाती रहती हैं, तो कभी भी उससे ऐसा ना हो कि कभी भी हमें अपना हौसला गिरना है। जो परम प्राप्ति जो किसी को नहीं होती, दुर्लभ होती है, बहुत दुर्लभ है, बहुत बड़ी घटना हो गई हमारी लाइफ में, बहुत बड़ी दिव्य घटना है कि काका जी और गुरु जी की प्राप्ति हो चुकी है, बम्पर जैकपॉट लग चुका है, बम्पर जैकपॉट लग गया है, तो वो प्राप्ति हो चुकी है। बाकी शरीर से रिलेटेड कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी जाती रहेंगी, तो उससे उस चीज़ का जो उसकी महिमा वो कम नहीं हो जाती, वो एज इट इज़ है। तो ये शरीर के कलेश वगैरह इससे तो दुखी कभी भी नहीं होना, जो बम्पर जैकपॉट लगना था वो ऑलरेडी लग चुका है। और लोया प्रकरण 111 में वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने इससे भी आगे जाके अभेदान दिया ये बोल के कि अगर मुझे कोई मानने वाला है, मेरा आश्रय लेने वाला है, अगर उसका अंत समय भी भाग के मारने से, सांप के काटने से, जल समाधि होने से या अपमृत्यु किसी तरीके से हो भी जाए, तो भी उसको मैं ही लेने आऊँगा, तो भी उसको परम धाम की प्राप्ति मैं कराऊँगा। और यदि जो ईश्वर से विमुख है और शरीर बहुत अच्छे से छोड़ता है, वो अगर शरीर का छोड़ने का उत्सर्ग अच्छे से होता है उसका अगर, तो भी यदि ईश्वर से विमुख है अगर वो, तो भी यमपुरी ही जाएगा वो। तो कितना बड़ा अभेदान भगवान स्वामीनारायण ने दिया, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते हम किसी चीज़ से। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। ऐसे संत महात्मा हमारी लाइफ में आए हैं, ये बड़ी ही दुर्लभ प्राप्ति हो गई है। हजारों जन्म के पुण्य उदय हो चुके हैं तभी ये प्राप्ति हुई है, ऐसा दिल से मान के हमेशा रखना है। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं गुरुजी के चरणों में एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि गुरुजी हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हो गई हों आप उसको क्षमा करना, आप कारण दे को भी टालने वाले हैं। और ऐसी अंतर्मन से प्रार्थना भी है कि हमारी चेतना का वास हमेशा जहाँ रहे वहीं रहे जहाँ गुरुजी आपके चरण हो, आपके चरणों में हमेशा हमारी चेतना का वास रहे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको हार्दिक जय स्वामीनारायण। जानंद स्वामी महाराज नी जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी नी वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामी वातु प्रकरण 9 बात 197। स्वामीनारायण हरे। स्वामी बात करीजे। संवत 1918 ना अषाढ़ वदी 13 ने दिवसे लोया नु त्रीजु वचनामृत वंचातु हतु ते ऊपर स्वामी ए बात करीजे। डडूसर वाला गलुजीनी दोषी मरी गया तेज वक्ते महाराज संत साथे ते गाम थी निकल्या। डड्यूसर गांव है, वहां कौन भगत था? गलू जी करके एक भगत था, वो आता है ना गलू, वो नहीं गलू जी भगत था महाराज का, निष्ठा वाला। हुआ क्या, महाराज उसके यहाँ आ ही रहे थे गांव में और उसकी मदर एक्सपायर हो गई,
उसने सोचा अभी इसकी मैं बताऊंगा, जाहिर करूंगा तो ये संग ये सब घर पे आएंगे नहीं, गांव में आएंगे नहीं, तो गांव छोटा, मेरी सेवा चली जाएगी। ऐसे भक्तों को जो खाना खिलाना करना वो मौका हाथ से चला जाएगा। उसने दोषी को बांध दी और वो खंभा होता है ना, इसको क्या कहते हैं, मालिये पे चढ़ा दी, हाँ मालिये पे चढ़ा, छज्जे पे डाल दी और फिर नहा धो के फटाफट महाराज को रिसीव करने गए। महाराज तो जानी जान अंतर्यामी थे, फिर सारा सेलिब्रेशन स्वागत वगैरह निपट गया। जब महाराज निकलने लगे तब बोले वो अपना काम कर लो, बुढ़िया का अग्नि संस्कार वगैरह पूरा कर लो। देखो महाराज सब कुछ जानते थे, लेकिन महाराज बोले नहीं, वरने तो भगत का दिल टूट जाता, महाराज को खाना खिला नहीं पाएगा। ये सारी बड़े संतों की रीत रसम अटपटी है, समझ में आवे ऐसी नहीं है, उसकी भाषा भी ऐसी हम समझ भी नहीं पाएंगे कभी कि वो क्या कहते हैं। हाँ चलो, डडूसर वाला गलूजीनी डोशी मरी गया, तेज वक्ते महाराज संत साथे ते गांव थी निकल्या। वो गांव से निकले એટલે ગલુજીએ તે વાત છાની રાખી, છુપા રાખી વાત, કે ડોશી મર ગઈ એ કરકે, ને મહારાજ તથા સંતને ઉતારો આપી રસોઈ કરવાની કરાવીને જમાડ્યા, ઉસકો તો ઉપર છત પે બાંધી ઓર રસોઈ બસોઈ કરા કે ખાના ખિલાયા। अपने घर में ऐसा बनाओ, कुछ करना स्वामी अब अभी आएगा, हम क्या करें, पूछेंगे ऊपर से क्या करें। महाराज ने रोकवा मांडिया पर रहा नहीं, ऊपर से महाराज तो महाराज रुको कोई अर्जा नहीं, तो कह नहीं अभी हम जहाँ में जाना है दूसरे गांव जाना है, वहाँ बोल दिया है जाना है। हाँ पची महाराज ने वड़ावा गया, हाँ। त्यारे महाराज कहे, महाराज को सिम तक छोड़ने गए तो महाराज फिर विदाय होते हुए कहें, जाओ हवे तुम्हारो काम छे ते करो, जाओ जल्दी घर जाओ, अब तुम्हारा जो काम करना है अग्नि संस्कार विधि वगैरह करवा लो जल्दी जल्दी। पछी दोषी ने देह क्रिया करी, बाद में दोषी की डडू सर ने, अरे वो गलू जी ने इसकी अंतिम विधि करी, अग्नि संस्कार विधि करी। એવું બીજાથી થાય નહીં, એસા દૂસરા કોઈ નહીં કર પાય, કેમ જે ધર્મ આડે આવે, કેમ કે ધર્મ આડે આવે, ક્યારે રે ઘર મે મૃત્યુ હો ગઈ હે, સૂતક લગ ગયા, અબ એસે સંતો કો બુલાવે, અરે ભગવાન તો સૂતક કે ટાલના રહે, ઉસે કહા સૂતક લગેગા। પણ ભગવાનના સંબંધથી જ શુદ્ધ થવાય છે, ભગવાન કે સંબંધ સે વો હે તો કોઈ સૂતક હોગા તો ભી ચલા જાયેગા। ઇસ તરહ કે દો નિષ્ઠા હોતી, એક ધર્મ નિષ્ઠા એક પ્રભુ નિષ્ઠા,
प्रत्यक्ष स्वरूप की निष्ठा, नहीं तो वो स्वरूप के ऊपर भी धर्म का बंधन लगा दे। अभी तो लेकिन कहते ना ज्ञान खूब आगे बढ़ चुका, समझ ज्ञान याने आचरण में हुए वो ज्ञान, वर्तन में हुए वो ज्ञान, बोलने में नहीं, बोलने में हुए वो खाली जानिया का। પણ ભગવાનના સંબંધથી જ શુદ્ધ થવાય છે એવી જેને સમજણ હોય। બોલને મેં તો કેસે રખતે કે સ્વામી હે પાણી હે જલ હે આપ અંગૂઠા રખો પવિત્ર હો જાય, વો ખાલી એક કે ના ચીલા ચાલુ ફોર્માલિટી બન ગઈ હે, કે દિલ સે થોડે માનતે હે। દિલ સે એસે માને વૈસે તો ભગતજી મહારાજ થે, अब तो ऐसे काफी लोग हैं, काफी मुक्त हैं इसको पता है। एवी जेनी समझण होय तेनी भक्ति भगवान दृढ़ महात्म्य युक्त माने छे। वात 198 સ્વામિનારાયણ હરે। સ્વામી વાત કરી છે જે શુદ્ધ મુમુક્ષુ હોય તેને પ્રગટ ભગવાનના જોગ વગર કેવળ પ્રતિમાએ કરીને કે શાસ્ત્ર શ્રવણે કરીને શાંતિ ન થાય। પ્રતિમા મતલબ મૂર્તિ સ્ટેચ્યુ, યા શાસ્ત્રો કી બાતો ઉસે તો પ્રગટ મિલને ચાહીએ। જૈસે મેને કઈ બાર કહા હૈ कि सूर्य ऐसा 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 डिस्क्रिप्शन कोई करा करे या पिक्चर भी दिखा दे में, उससे उसको नहीं, तो सूर्य साक्षात दर्शन दे, सूर्यदेव जैसे डेली सुबह सूरज उगता है दर्शन होता है तो प्रकाश होता है, ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलती है, और उससे तसल्ली होगी उसे। ऐसे संत मिले मुमुक्षु को जिसने भगवान अखंड रखे हुए, जिनको देखते ही मेरे प्रभु मुझे मिल गए, ऐसी तसल्ली हो जाए, ऐसी कोई अनुभूति हो जाए, ऐसा कोई प्रकाश नजर आ जाए, सो बोले कि हाँ मेरे घर में प्रभु आए हैं। જે શુદ્ધ મુમુક્ષુ હોય તેને પ્રગટ ભગવાનના જોગ વગર, પ્રગટ ભગવાન કા સંબંધ કે બિના, જોગ કે બિના ઉસે મન કો શાંતિ નહીં હોગી, જીવ કો તસલ્લી નહીં હોગી, આત્મા પ્રફુલ્લિત નહીં રહેગા, ખોજતા રહેગા કે કુછ અધૂરા હૈ, અપૂર્ણતા ઓર કલ્પના ટલેગી નહીં। केवल प्रतिमा करीने के शास्त्र श्रवणे करीने शांति न थाए। वैसे कुशल कौन बने कहा था कथाकार को कि मैं तू ये कितनी भी बातें करा कर, लेकिन जैसे रुक्ष्मणि का कलाई कृष्ण ने पकड़ी थी, वैसे कोई समझ शांति मेरी कृष्ण कलाई नहीं पकड़ेगा, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। કુશળ કુંવરભાઈ પાસે બ્રાહ્મણ જો આયા ના ભાગવતની કથા વાંચતો, ભાગવત કી કથા પડતા થા, તેમાં લક્ષ્મણી હરણની વાત આવી। લક્ષ્મણી કા હરણ કરા થા, ઉઠા ગયે થે કૃષ્ણ, ત્યારે કુશળ કુંવરભાઈએ કહ્યું છે कथा संभरता मने आटला वर्षों थे, इतने साल से तेरी पास हर साल कथा करते हैं, कथा सुनते सुनते कई साल गुजर गए के,
और मुझे वो प्रतीति अभी तक नहीं हुई, मेरा मोक्ष हो गया। कथा सांभळता मने आटला वर्षो थया, ने तू पण के दिनो कथा वांचे छे? लवलोक करे पण जे दी प्रगट भगवान रुक्ष्मणी नी पेठे कांडू झालशे, ते दी झालशे याने पकड़ेंगे, रुक्ष्मणी की तरह हमारा कांडा हमारी कलाई पकड़ेगा, कलाई कहते हैं ना इसे। तेरी तारू ने मारू कल्याण था शे, तब मेरा और तेरा कल्याण होगा। वो कथा करने वाला गोबर गणेश था, और ये बाई चतुर थी, समझदारी थी, मुमुक्षु थी, इसलिए उसे खप था। वो तो पैसे कमाने के लिए कथा करता रहता था। ते वात पछी केटलेक वखते परम चैतन्यानंद स्वामी फरता फरता धरमपुर आवी चढ़या। धरमपुर नासदा परम चैतन्यानंद स्वामी वो प्रगट महाराज की बातें करे कि भगवान प्रकट हुए कलयुग के अंदर, ये है वो है, स्वामीनारायण भगवान है हमारे, सहजान स्वामी सर्वोपरि प्रभु है, जिसमें सारे अवतार भी प्रकट हुए। खूब महिमा की बातें परम चैतन्यानंद स्वामी करें, तो कुशल कुमार वहाँ को हुआ कि फिर तो दर्शन करने पड़े और राज दरबार में मैं बुला लूँ, और अगर वो सच में भगवान है सारा राज फिर उसके हवाले कर देते हैं, सौंप देते हैं। ते बात पछी केटलेक वक्ते परम केटलेक वक्ते है ना, ये बात हुई उसके बाद काफी समय के बाद, परम चैतन्यानंद स्वामी फरता फरता धर्मपुर आवी चढ़या, घूमते फिरते धर्मपुर वासला आए, अने सदाव्रत लईने धर्मशाला मां आराम करता हता, और भोजन भिक्षा मांग करके आराम करते थे, विश्राम में थे। तो रानी का नियम होगा कि चलो कोई आए हो, महात्मा हो, संत, तरुण, अब वो सदाव्रत में काम ठीक चल रहा है कि नहीं, जाती होगी रेगुलर विजिट पे। तो ये तो परम चैतन्यानंद स्वामी तो स्वामीनारायण के साधु थे, तो जैसे रानी गए एकदम पीछे हट गए, तो रानी को अजब लगा कि ये क्या। અને સદાવ્રત લઈને ધર્મશાળામાં આરામ કરતા હતા, સદાવ્રત લઈ ગયા ને, પ્રસમ પ્રસાદ લઈ કે ખાના ખાતો સીધા સામાન લેકર ઉસકી રસોઈ બના કે ખાના પ્રસાદ લેકર કે ભોજન કરકે વિશ્રામ કર રહે થે, ત્યાં નિયમ પ્રમાણે કુશળ કુંવરબાઈ તીર્થવાસીઓના ચરણ સ્પર્શ કરતા કરતા, उसका नियम था कि जो भी आए हैं तीर्थवासी हैं तो इनके चरण का स्पर्श करूं, सर पे लगाऊं, आंखों पे चढ़ाऊं पानी, तो वो तीर्थों का इन्होंने पुण्य कमाया हो उसमें मेरा भी भाग मिल जाएगा। मुझे श्रद्धालु थी, धार्मिक विचार थी, धर्मिष्ठ थी। સ્વામી પાસે આવ્યા, સ્વામી પર ત્યારે અમે તો સ્વામિનારાયણ પ્રગટ ભગવાનના સાધુ છીએ એટલે સ્ત્રીથી દૂર રહીએ છીએ, સ્વામી બોલે ભાઈ એકદમ નજીક ના આવો, એમકો દૂર કરી રાખો, એમ કહી આગા વયા ગયા, દૂર ચલે ગયા।
एम कही आगा वया गया। आथी कुशल कुंवर भाई विस्मय पाया, चकित हो गई, ये क्या है। अने स्वामी ने माटे मान थे, लेकिन ठीक कि भाई काफी संतों के पास गई जाती होगी, करती होगी, हर एक के क्रिया चरित्र बोलती नहीं होगी, लेकिन पसंद नहीं आता होगा, और इसमें कोई अलग सी नजर आई प्रतिभा। हाँ, अने स्वामी ने माटे मान थे, मान थे, सम्मान उपजा। अने महाराज नी आज्ञा प्रमाणे धर्म जलवाई रहे ए रीते आड़ो चक नंखावीने महाराज ना प्रताप नी वातो सामने आड़ो चक नंखावीने अने पड़दा लगवा के स्त्रियों के साथ डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, हम बातें करें ऐसा वो बोले सुने, लेकिन इनको एड्रेस करके नहीं। चक नगावी ने चक पड़वा चकली इंडिया। महाराज ना प्रताप नी बातों सांभळी तेथी शांति थई गई, उसे शांति हुई कि ये जो बातें करते हैं उस हिसाब से जरूर ये भगवान का स्वरूप है। पछी ए प्रमाणे स्वामी रोज थाळ जमे अने दरबार मां जईने महाराज ना प्रगट महिमा अने प्रताप नी वातो करे। अने नित्य क्रम हो गया। हाँ, अने पौत्र कुंवर भेगा हाथी बेसीने हनुमान गढ़ी दर्शन दर्शन। आ बात ने महाराज ने खबर पड़ी, उसका लगा कि अभी भाई ये तो यही खुद गया। ऐसे नहीं, उसी में रम जाते हैं। आ बात ने महाराज ने खबर पड़ी इतले परम चैतन्यानंद स्वामी ने तेड़वा मुक्तानंद स्वामी को भेजे कि भाई हाथी वहां खुद गया है, उसे निकालो, नहीं तो वो बस वही रोज राजभोग खाना, हाथी की सवारी पे जाना और वो राजकुमार के साथ खेलना, उसी में साधु रमण हो जाए। इतले परम चैतन्यानंद स्वामी ने तेड़वा मुक्तानंद स्वामी ने मोकल्या। हाँ, ने मुक्तानंद स्वामी ने तो परम चैतन्यानंद स्वामी गुरु तरीके मानता। हाँ, मुक्तानंद स्वामी बड़े थे, परम चैतन्यानंद स्वामी से गुरु मानते थे। हाँ, तो जैसे ही परम चैतन्यानंद स्वामी को देखे वो हाथी पे से नीचे उतर के दंडवत करने लगे। તેથી ઊંચી ગાદીએ બેસાડીને તેમની પાસે મહારાજના મહિમા અને નિશ્ચયની વાતો કરાવી મુક્તાન સ્વામી કે પર મહારાજ કી મહિમા કી મહારાજ કી નિષ્ઠા કી મહારાજ કા આશરા કર લેને કી બાતે કરાઈ આથી કુશળ કુંવરબાઈને નિશ્ચય થયો, કુશળ કુંવરબા કો હુઆ કે યે મહારાજ કો જરૂર મિલના ચાહીએ, ને મહારાજ ને ધરમપુર તેડાવી આપવાની પ્રાર્થના કરી, બોલો આપ મહારાજ કો યહાં લે આવો કે એટલે મહારાજ संत पार्षद साथे त्यां पधारे। भगत तो पूरा रसाला, भगत दादा खाचर सब भगत लोग, उनके सारे घोड़े रसाला
सब लेके पहुंच गए। राज को राजमाता थी ना, तो हर्जा नहीं आया। कुशल कुंवर भाई ग्रासिया ने वाली ओझलवाड़ा, ओझलवाड़ा पड़दा वाले, तो पण महाराज ना चरणारविंद ने बाजी पड़या। एकदम वैसे मर्यादा वाली थी, राजघराने के लोग पर्दे से बाहर नहीं निकलते, लेकिन महाराज को देखा तो जैसे कहते ना चरणों में गिर गलाने लगी, गिर पड़ी। तेथी महाराजे कांडू झाली ने कहू कि एवं रहवा दे। तो उसको निश्चय हुआ कि रुक्ष्मणी की तरह इसने मेरा कलाई पकड़ी। इतलू कहता भाई ने अंतर मन परम शांति थी, निश्चय हो गया। अने महाराज रोकाया तेटला दी महाराज ने 22 बार आरती उतारी। आरती उतारी महाराज इसको भेटे भी थे कुशल कुंवर बा को, शायद इसमें नहीं होगा आवेश। ने सभा में महाराज ने मिला, सभा में महाराज को भेटे थे। मेरी खुश नसीब होगी, भाग्यशाली। अने वृत्ति पलटावी ने महाराज की मूर्ति उतार दी जाए। महाराज की मूर्ति ने अंतर में उतारता गया। पछी महाराजे भाइयों पासे राखी ने तेमनी पासे लाड़ुवा जीववा को बुलवाए और इनसे बातें करवाई। पछी महाराजे भाइयों पासे राखी ने तेमनी पासे कथा वंचावी ने सांभळवी सांभळवी एवी आज्ञा करी। देखो उसी समय से रहे बहनों के लिए बातें करने के लिए बहने, भाइयों माटे भाइयों, एक प्रणाली बता दी। नहीं तो कहते ना कि अच्छा ऐसा एक पंडित रख देना और बातें सुनना। एवी आज्ञा करी अने गढ़पुर जवा रजा मांगी। महाराज ने कहा मुझे मैं चला जाता हूँ, गढ़ जाता हूँ। ये बेहोश हो गई होगी। सर्वे गढ़पुर पहुंचा त्या तरत खबर आया कुशल कुंवर भाई ने शरीर छोड़ दिया कि कुशल कुंवर भाई धर्मपुर में 15वें दिवसे अक्षरवास हो गया। वाह चलो।